कैसा है जीवन प्रवाह, कितनी तेज धार से अपना समय भाग रहा है। व्यक्ति जो बुद्ध भावी में जीता उसका समय बिल्कुल व्यर्थ हो जाता। वर्तमान में जीता है वो व्यक्ति का समय सार्थक सफल होता। समय सार्थक हो गया तो जीवन सफल, जीवन का मंगल, जीवन का कल्याण और परम श्रेय हो जाता। वर्तमान समय इतना निर्मल है, वर्तमान समय में व्यक्ति जो जीता है तो राग द्वेष रहित होता है। राग द्वेष रहित जो व्यक्ति होता है वो निर्मल हो जाता है, वो निर्मलता है, वो पवित्रता है, वो अपने जीवन की वास्तविक अवस्था। लेकिन अपना मन भागता है बुद्ध भावी में तो बुद्ध भावी में सब तो कचरा आता, आश्रव ही आश्रव, बंद ही बंद। और जो जो अपने को ये साधन 10 प्राण मिला है उस साधन के माध्यम से मेन तो अपना मन है। मन जो वर्तमान में ठहर गया, वर्तमान में जो अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था जो चल रही है उसका वो देखने का अभ्यास करे, दृष्टा देखना, देखने में अपनी कितनी सफलता हुई। उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार अंतर्मुख अवलोकता, क्या उपजे मोह विकल्प थी, अपने भीतर संकल्प विकल्प जो चलता है कैसे होता, कारण दिखाया। हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, बुद्धि मन तल पर हम जीते हैं, लेकिन उसका कारण अपने भीतर चलता हुआ विचारों का कारण। कारण जहाँ तक दूर नहीं होगा तहाँ तक विचारों से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा, विचार कभी बंद नहीं होगा, जन्म मरण कभी बंद नहीं होगा, कारण बंद होना, एक कारण से कार्य हो रहा है। जन्म मिला किस लिए मिला, कारण से, क्या कारण है अपने भीतर, कारण भीतर में होता है, कार्य बाहर में होता है। कोई भी कार्य, शुभ कार्य तो दो ही है बार में, शुभ और अशुभ, तीसरा तो है ही नहीं, शुद्ध बार में नहीं है, शुद्ध कभी बार में नहीं है। कोई भी जगह पर आप जाओ, चतुर्गति में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो पॉइंट पर जाकर बैठे तो शुद्ध शुरू हो जाए। शुद्ध अपने भीतर शुरू होता, शुद्ध का सबन क्षेत्र काल किसी के साथ नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ का सबन है योग के साथ, उदय के साथ, उदय योग संयोग के साथ अपना सबन जहां तक रहेगा तहां तक शुभ अशुभ यह द्वंद्व चलेगा। जब व्यक्ति कितना तैयार होना है, कोई बाहर जाना हो तो व्यक्ति कितना तैयार होता, उसमें भी फंक्शन में जाना, उसमें भी अगली हलोर में बैठने का है, कितना तैयार होता है फंक्शन में जाना होता, कितना तैयार होता है, कितना समय लेता है। अपना नजदीक का रिलेशन का फंक्शन है और वो ही करता है, उसने सौंप दिया, बोलता ना आप वडिल हो तो आप करो, करना क्या,
करेगा क्या वड़िल? वड़िल क्या करता है? घर का वड़िल क्या काम करता है? टेंशन तनाव के सिवाय क्या काम करता है? और क्या होता है? करने से होता है, इस शरीर का भी करने से नहीं होता है, ये शरीर में, ये शरीर में मैं जो मानता हूँ, ये शरीर किसका? मेरा, मेरा ना, भूल से नहीं बोल देना झूठ, भूल से बोल देता है, सीरी लाता नकारा, लेकिन अंदर होता है हाँ वो ही मैं, वो ही मैं। तो शरीर में, तो शरीर में जो कुछ है उसमें भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कर सकता है, विचार कर सकता कि ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर पास जाना है, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी इलाज भी करे, लेकिन उसका उपशांत होना हो तो हो, नहीं होना हो तो जो डॉक्टर ही इलाज करे वो सारा दर्द अपना उपशांत हो जाए तो व्यक्ति का शरीर कभी अस्वस्थ ही नहीं होता है। थोड़ा हुआ तो पहुंच जाता ना, और पहुंच जाते हैं, हर व्यक्ति पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो सब टेम्परेरी है। हाँ सोच सकता है कितना, हजारों टका, 100% नहीं, शरीर के बारे में व्यक्ति 100% नहीं, 1000% सोच सकता है, लेकिन करता कर नहीं सकता है कुछ। तो फिर जिसको हमने वड़ील बना दिया, घर का कारभार सौंप दिया और उसने स्वीकार लिया कहा मैं ही करता हूं, तो वो क्या करेगा? वो क्या काम करेगा? दूसरों को सजेस्ट करेगा, ऐसा करो, ऐसा करो, वो करो, वो करो, ऐसा नहीं, ऐसा है, बस उसमें व्यक्ति का कर्तापना का भाव कितना वो देखने में आता है, वो देखा कर्तापना का भाव, ये सारा फंक्शन का कर्ता हो, भोक्ता हो, मालिक हो, है दूसरों का। एक व्यवहार से, व्यवहार से व्यक्ति को उसको बोल दिया कि करो आप, सौंप दिया, वो व्यक्ति करता तो भोगता और किसका मालिक हो गया? वो फंक्शन बराबर हुआ तो बराबर, और फंक्शन में कोई तकलीफ हो रही, कचास हो रही, तो जब उसे सामने कोई विपरीत बात आती है, उसको सेट नहीं हो सी बात आती है, तो क्या होता है? देखो ये करता है, इसलिए ऐसी बात आने पर वो व्यक्ति के भीतर में किसा राग द्वेष होता, राग नहीं द्वेष ही होता। कर्तापना में राग है, प्रतिकार में द्वेष है। कोई भी व्यक्ति कर्तापना के भाव से करता है उसमें राग होता है, और प्रतिकार का जहाँ जहाँ भाव होता है, प्रतिकार हुआ नहीं हुआ, भीतर से हो गया, द्वेष हुआ, प्रतिकार द्वेष से होता है। कोई भी क्षेत्र प्रतिकार और राग द्वेष का संबंध व्यक्ति की बेहोशी के साथ है। व्यक्ति वर्तमान में बेहोश कैसा है? कितना बेहोश है? इतना कर्तापना का भाव, इतना भोक्ता भाव, इतना मालिकी भाव, वो कितना सॉलिड हो जाता, कितना सॉलिड हो जाता। ऐसे कोई बाहर जाना, वो फंक्शन में वही कार्य करता है, जब ऐसी दूसरी बात आती है उसको सेट नहीं हो सी बात आती है, तब वो व्यक्ति के भीतर में क्या खलबली मच जाती है, कैसा हो जाता? कौन बोला? ये तो सब बराबर है, मैंने बराबर ही किया है। किया क्या है? कुछ उठाया थाली के, डिश के, कोई उठाया? सिर्फ सजेस्ट करता था, खड़ा खड़ा, ऐसा हो, ऐसा हो। और कैटेस में जो बहुत सजेस्ट करे तो बोल दे आप ही कर लो। हाँ हमारी तो जो पद्धति है, हमारी जो है नियमन है, उस तरह से हम काम करेंगे। आपका 2000-5 दफा जो ऐसी बात उसके सामने हो गई तो वो भी आपकी बात स्वीकारते हैं?
देखो कैसा है, तो भी ये सारा फंक्शन का कर्ता हो गया। पांच व्यक्ति हो के 50 व्यक्ति हो के 5,000 हो के 5,00,000 हो के करोड़ व्यक्ति इकट्ठा हुआ हो, जो मेन व्यक्ति कर्तापना का भाव में जीता है उसको सब आश्रय उसका कितना वजनी हो जाएगा, कितना वजनी हो जाएगा, कितना भारीपना होगा। कर्तापना के भाव में हरदम जीव को भारीपना ही लगता है, भारीपना ही होता है, टेंशन ही होता है। अकर्ता भाव से जो काम होता है तो टेंशन दूर हो जाता है, टेंशन लगता ही नहीं। लेकिन कर्तापना का भाव कब छूटता है? कर्तापना फिर घर की बात हो तो फिर क्या, कोई भी क्षेत्र की बात हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा काम हो के बड़ा काम हो, जो जो क्षेत्र में जहां व्यक्ति जी रहा है वहां पर व्यक्ति का कर्तापना का भाव कितना है। आप ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, वहां पर भी आप कैसे संभालते हैं, लेकिन आपका ध्यान चारे ओर होता है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, तो फिर व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा भाव भीतर में चलता। इतना कर्तापना का भाव व्यक्ति को सेट हो गया है, बेटा बोलता है कि आने की जरूरत नहीं दुकान पर, लेकिन वो बोलता है मेरी सलाह की जरूरत है, वो सुनता भी नहीं, वो बोलता है कि वो नहीं आए तो अच्छा, लेकिन मानता नहीं। क्यों? जानना है, कर्तापना का भाव उसको ले जाता है। कर्तापना का भाव जहां पर होता है वहां खिंचान होता है, खींचता, मैग्नेट की तरह खींचता। ऐसे व्यक्ति को जागरण आ गया तो मेरापना का भाव भीतर में हुआ तो साधना में खींचेगा, सब काम जल्दी से जल्दी निपटा लेगा, समय नहीं बिगाड़ेगा फिजूल का, और साधना में लग गया रुचि और भाव तो व्यक्ति का समय ज्यादा से ज्यादा समय व्यक्ति साधना में लगाएगा। नहीं तर कर्तापना के भाव में व्यक्ति समय शक्ति साधन तीनों लगाएगा दूसरों के लिए। उपजे मोह विकल्प थी समस्ता संसार अंतर्मुख लोकता विलय थता नवा। जैसे प्रकाश स्विच ऑन कर दी, प्रकाश हो गया, कितना समय लगा, ऐसे वहाँ तो हाथ लंबा ना पड़ा, करंट हो तो, करंट न हो तो स्विच ऑन करे तो देखो कारण खत्म हो गया। आप स्विच ऑन कर रहा है वो कार्य है, अंधकार हटाने का आपका कार्य है स्विच ऑन करना, वो आपका कार्य है, करंट कारण है, करंट न हो तो स्विच बॉक्स खोल दो तो भी करंट आएगा, और होगा तो ऐसे कर तो आ जाएगा, करंट कारण है। आप जो कर रहे हैं स्विच ऑन वो आपका कार्य है, उसमें कर्तापना का भाव है, करंट नहीं होता है तो क्या होता है। आपको बहुत जरूरी काम है और करंट चला गया, काम करते करते ही चला गया, कब चला जाता तो मालूम नहीं है, ये तो इंडिया है ना, इंडिया की व्यवस्था, जीवों की जैसी व्यवस्था अवस्था ऐसी ये बाहर की अवस्था व्यवस्था है, ये अपनी ही कारण से वो है। क्यों? एक एक व्यक्ति की आदत रूटीन मान्यता हर क्षेत्र में काम करने का ढंग कैसा है, कैसा है, ऐसे चलता है तो नहीं हुआ। व्यक्ति के भीतर में क्या होता है, कैसा भाव रहता है, भाव कैसा रहता है, इस जागरण अपने को हर हालत में हर संयोग में अपने को बचना है, अपने को बचाना है, शरीर को बचाना लक्ष्य मेन है आप हर जीव का, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ये आत्मा को बचाना, अपना भाव प्राण को बचाना, वो अपना लक्ष्य है, ये अपनी रुचि है, ये अपनी लगन है, और उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या काम है,
अपने को बचाने के लिए प्रवृत्ति से नहीं बचेगा, समझे, प्रवृत्ति से बचेगा शरीर। बहुत ठंडी हवा रहा है, खिड़की बंद कर दो, कुछ पहन लो, सर्दी बहुत हो गई तो कुछ कुछ इलाज कर दो। वहाँ बाहर से शरीर की अवस्था में बाहर से कुछ करना होता है, रक्षा। ये कपड़ा किस लिए? शरीर का रक्षण और लज्जा ढांकने के लिए। मकान किस लिए? शरीर का रक्षण के लिए। खाना पीना है वो सब किस लिए? शरीर का रक्षण के लिए। तो हमारी सारी दिनचर्या हमारा शरीर के रक्षण के लिए ही चल रहा है कि अपना भाव प्राण के रक्षण के लिए हम जी रहे हैं? किसके लिए जीते हैं? भाव प्राण से, कारण भाव प्राण है, आत्मा है शरीर में, तो ये शरीर की विशेषता है ना। आत्मा शरीर में आत्मा न हो तो फिर शरीर सामान्य व्यक्ति का हो, कोई तीर्थंकर परमात्मा का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, तो शरीर तो क्या है? पुद्गल हो तो बदल रहा है उसका स्वभाव से, वो काम कर रहा है। देखो वो उसका स्वभाव से का, वो हमको समझ में नहीं आया, बुद्धि से समझा, प्रैक्टिकल में नहीं आया। उसका स्वभाव है बदलना, हमारा स्वभाव है देखना, तो हम देख सकते हैं। ये देखा नहीं, वहां गड़बड़ हो गई। जो देखना आ गया तो व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ कर नहीं सकता है, ऐसी है अपनी वर्तमान अवस्था। लेकिन मूर्छित अवस्था कितनी, रट रट कर घटना को, रट रट कर कोई भी घटना घटी, अपना दसों दस प्राण से इतना व्यक्ति रटता है, इतना एक रूप बन जाता है उसके साथ, वो इतना सॉलिड हो जाता है, वो कैसे हटे, कैसे दूर हो? जागरण जो होगा तो रटना बंद हो जाएगा, फील होगा एक क्षण, दूसरे क्षण छूट जाएगा। और जागरण नहीं है तो कहां तक चलेगा? उसके मुताबिक हर जीवों की कर्म की स्थिति होती है, उसमें राग द्वेष शामिल है, अपनी बेहोशी है, दसों प्राण उसमें सहयोगी साधन है, बाहर में निमित्त है। ये दसों प्राण और समय शक्ति वो सब व्यक्ति उसमें लगा देता है, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था सब व्यर्थ चली गई, वर्तमान समय सब ऐसे ही चला गया। जो उसी से वर्तमान समय में जीने से व्यक्ति को कैसा लाभ होता, वो तो जब व्यक्ति जिएगा तब मालूम होगा। वो कोई शब्दों से आपको कोई व्याख्या, मामूली व्याख्या हो सकती है कैसा होता है, लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में जिएगा तभी उसको मालूम होगा कि हे क्या है, क्या चीज। तो ये सब संकल्प विकल्प अपने भीतर जो चल रहा है वो सब कैसा है, कैसे चल रहा है, कैसे कैसे अवस्था, जहाँ जहाँ जीवों को ऐसी कर्तापना का भाव होता है वहाँ पर मोह होता है, मोह से कर्तापना का भाव है, लगाओ अटैचमेंट, उसमें चारित्र मोह और दर्शन मोह दो ही काम करता है, एक नहीं। प्रवृत्ति में चारित्र मोह है, भ्रांति में दर्शन मोह है। भ्रांति में जहाँ तक रहेगा तहाँ तक ये दर्शन मोह काम कर रहा है, और भ्रांति के मुताबिक प्रवृत्ति कर रहा है वो चारित्र मोह। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के जीवन में वो अवस्था चल रही, इसलिए पहला भ्रांति मिट गई तो व्यक्ति को चारित्र मोह के आगे नहीं चलेगा, उसके अनुरूप प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति जब व्यक्ति के होश के साथ काम होगा, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि अपनी दिनचर्या साधना हो सकती है। साधना में बैठे तो साधना अपनी दिनचर्या, खाना पीना, चलना उठना बैठना बोलना, कल बात हुई ना, ये छह बोल चरे चिट्ठे सये भुंजे, ये छह जो अवस्था है, छह प्रश्न है शिष्य का, उसे गुरु के एक ही शब्द में जवाब दे दिया। यतना उपयोग, उपयोग पूर्वक जो होता है तो दिनचर्या अपनी साधना हो गई, कैसा काम है, कितना सुंदर काम है। लेकिन उपयोग नहीं हो तो आप बैठे तो भी कुछ नहीं होगा, भीतर में बदलाव नहीं होगा। भीतर से जो अपने को बदलना हो तो व्यक्ति को वर्तमान,
जागना पड़ेगा तो ही उसका काम होगा, और नहीं जागेगा तो काम होना ये कभी संभवित नहीं है। ऐसे चलता है, ऐसे रहेगा, ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा। और बाहर से पद प्रतिष्ठा संतति संपत्ति बहुत विशाल क्षेत्र हुआ वो सब होगा, लेकिन वो तो सब अपना कर्तापना का भाव से हुआ है। कर्तापना का भाव से जो हुआ, जितना क्षेत्र विशाल बनाया, 14 राज लोक क्षेत्र विशाल बना दिया। सभी जगह पर जहाँ जहाँ जीव की जन्म की अवस्था हुई, वहाँ पर जीव को कर्तापना का भाव जीवंत है। शरीर की अवस्था कोई भी हो, किसी भी हो, स्वस्थ हो, ये दो ही है ना, कहाँ स्वस्थ होता है शरीर निरोगी और अस्वस्थ होता है, साता के असाता, दोनों अवस्था में व्यक्ति की कर्तापना की अवस्था कितनी दृढ़ होती है, वो व्यक्ति जहाँ तक नहीं देखेगा, नहीं देख सकता है, तहाँ तक तो चलता रहेगा और व्यक्ति घूमता रहेगा। जन्म मरण की परंपरा, आना जाना, वो तो अप डाउन चलता है। उसी से जो बाहर आना हो, और वर्तमान में जो व्यक्ति के पास जागरण साक्षी भाव जो हो, तो व्यक्ति कैसा हो जाता, कैसा बन जाता है। ऐसे भाव प्राण की रक्षा जो होती है तो सब कैसा, किसी उनके अंतर अवस्था बन जाती है, तो उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार, अपना संसार एक पॉइंट पर है। एक पॉइंट से कितना विस्तार बनाया, कैसे हुआ, दर्शन मोह एक पॉइंट पर है, अपनी भीतर उसका विस्तार कितना विस्तार हो सकता है जीव का, के 14 राज लोक क्षेत्र, उसी से दूसरा क्षेत्र बड़ा, जो होता तो वहीं पहुंच जाता, कहीं उसको रुकावट नहीं है, लेकिन अलोक में तो कुछ नहीं है, कुछ चीज नहीं है, अलोक अलोक है। तो 14 राज लोक क्षेत्र में एक पॉइंट से जो विस्तार होते 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 हो, तो फैलता फैलता कहां तक फैला, 14 राज लोक तक पहुंच गया, एन तक, वहां भी जन्म हुआ। लोक अलोक का जो संधि है, वहां पर भी जीव का जन्म हो गया। तो इस जन्म की परंपरा, क्षेत्र की विशालता और काल की विषमता व्यक्ति के जीवन में हर हालत में चलती है। वर्तमान में जिए तो सब विषमता दूर हो जाती है, और भूतभाव में जो तो विषमता ही विषमता, दुर्भाव ही दुर्भाव, कनिष्ठ ही कनिष्ठ अवस्था, और वर्तमान में जिए तो शुभ ही शुभ, शुभ नहीं शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, तो सारा संकेला कर लेता है। विस्तार बनाया ना, कोई पेढ़ी चलती है बहुत पुरानी, 100 साल 200 साल से, उसको पेढ़ी को समेटना है, कितना समय लगता है। एक घर से दूसरे घर में अपने को शिफ्ट होना तो कितना समय लगता, फ्लैट में रहता तो अभी बंगला बनाया, वहां पर जाना है तो फ्लैट से खाली कर कर जाना है, कितना समय लगता, कितना लोगों को काम पर लगाना पड़ता है। ये दुकान पेढ़ी को संकेलना हो, इतनी पुरानी, नाम सारा शहर में नाम है, वो नाम बोलो तो कि हाँ बराबर है, ऐसा नाम, बहुत नाम कमाया, लेकिन वो पेढ़ी को बंद करना हो तो कितना समय लगता, एक दिन में हो जाता है तो कितना, एक घंटा में तो कितना समय लगता। और यहां से जाना हो तो कितना समय लगता है, शरीर छोड़कर जाना हो तो कितना समय, आप घर से यहां आया तो आधा घंटा घंटा लग जाता है, फ्लैट बदलना हो तो भी, घर बदलना हो तो वो रह गया वो रह गया वो रह गया, एंड पर चिथरा तो रह ही जाता है, वो तो छूटता नहीं भाई, कैसा है, किसी अपनी अंदर की अवस्थाएं हैं जिसके साथ इतना समय तक रहा तो दीवालों के साथ भी लगा हो जाता है। नहीं समझना कि क्षेत्र दीवालों के साथ लगा हो जाता है,
वो छोड़ना कितना समय लगता है, समेटना पेड़ी को कितना समय लगता है, दिवसों महीनों लगता है, वर्षों लग जाता है, और यहाँ से जाना एक क्षण में, क्या कोई भी हो, कोई भी हालत में व्यक्ति हो, ये शरीर छोड़ना एक क्षण में। हाँ, बीमारी चलती है, कुछ होता है, कोई भी तकलीफ निमित्त तो होता है, अन समय पर निमित्त तो होता है। चलते चलते गिर गया और बोलता कि मर गया, तो गिरा इसलिए मर गया, वो तो निमित्त है। आयु पूरा, बाथरूम में गया, स्लिप हो गया, गिर गया, वहाँ के वहाँ उठाकर बाहर लाना पड़ेगा। कैसा है एक क्षण, देखो कोई भी क्षेत्र हो, पलंग हो के, बाथरूम हो के, भोजन करने को बैठा हो। हम राजकोट में था, भक्ति नगर में, एक बंगला में ऐसी घटना घटी, घटती है तो अपने तो देखा इसलिए मालूम होता, और कोई बोलता है तो मालूम होता है, बोलता है ना उसको व्यवस्थित नहीं होता कि वो तो ऊपर है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब में उतावला, सब में उतावला अपना। सुबह में नाश्ता चल रहा था, सब परिवार के साथ बैठा था सब टेबल पर, बहुत चीजों, सबसे घर का वड़ील व्यक्ति भावुक भी था, बहुत भावुक था। नाश्ता चल रहा था, बातें भी चल रही थी, एक हाथ में गिलास था चाय का, एक हाथ में बिस्किट था, आधा बिस्किट लिया मुंह में, आधा हाथ में था, वो चबा रहा था और चाय का घूंट लिया, हाथ से गिलास गिर गया, मुंह में जो था बाहर निकल गया, गिर गया नीचे, गिलास के साथ वो भी गिर गया, खत्म। क्या अपना कैसा होगा ये मालूम, अपना अंत कैसे होगा, किसी तरह से होगा, कौन से क्षेत्र, अपना घर हो, बंगला हो, झोपड़ा हो, जहां व्यक्ति रहता हो वहां पर होगा, रास्ता पर होगा, दुकान में होगा, बाथरूम में होगा, कहां पर होगा, ये घटना तो घटने वाली है, कहां पर घटेगा, इसलिए कहां से आया, कहां जाना, कब जाना, कौन से क्षेत्र से जाना, कौन से समय पर जाना और कौन सी गति जाति में जाना, अपना कुछ मालूम नहीं, कुछ अपने को अपनी कोई खबर नहीं। तो भी हम बोलते कि हमको सब मालूम है, वो कितना, ये छह प्रश्न में से एक भी प्रश्न जिंदगी अनंत काल से सॉल्व नहीं कर पाया, तो अपने को क्या समझ है, अपने को क्या मालूम है, हम क्या जानते हैं। तो भी हमारा मन बोलता है कि मैं तो क्या जानता है, उसके पास जो है इंफॉर्मेशन है, अखबार की, टीवी की, कंप्यूटर की, इंटरनेट की, वो सब इंफॉर्मेशन, वो वजन है, वो कचरा इकट्ठा है, वो हो गया, वो हो गया, इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, कब होगा, इसका क्या होगा, कहाँ होगा, ये कोई निश्चित, एक भी चीज अपनी छह बोल से एक भी चीज अपनी कोई निश्चित नहीं कर पाया, तो हमने क्या काम किया, अपना काम अपने नहीं किया तो दूसरों का क्या करेगा, कितना करेगा, कहां तक पहुंच, वो तो मोह है, ये तो लगाव है। उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार, समस्त संसार एक पॉइंट से 14 राजलोक क्षेत्र में विस्तार हो गया, इतना क्षेत्र बना दिया, तो भी जीव जागा नहीं। अभी अवसर है, बहुत बड़ा अवसर मिला है, अवसर नहीं अपूर्व अवसर मिला है ये जागने का। जो व्यक्ति जाग गया तो ये मनुष्य जन्म की एक एक क्षण इतनी सार्थक और सफल होगी, तो सारा जीवन कैसा उम्दा हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। और जो अपने को जो उपलब्धि करना है उपलब्धि हो गई, तो अनंत जन्मों के चक्कर से व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, दुखों का कारण मिट जाएगा, तो व्यक्ति कैसा होगा, ये चीज अपने को वर्तमान में हो सकती है, लेकिन अपनी रुचि लगन कितनी है, कैसी है, वो जहाँ तक व्यक्ति नहीं सोचेगा तहाँ तक
काम अपना होना नहीं, तो एक क्षण, एक पॉइंट से खड़ी हुई चीज एक क्षण में खत्म हो सकती है। एक पॉइंट पर रही हुई चीज एक क्षण में वर्तमान, तो इस वर्तमान क्षण की ताकत कितनी, इतना विस्तार को एक क्षण में मिटा देता है, किसी की ताकत नहीं है बाहर के कोई साधनों की। एटम भी उसका क्षेत्रफल होता है, 100, 200, 500, 1,000, 2,00,000 किलोमीटर तक उसकी हवा पहुंचती, लेकिन एक पॉइंट पर रहा हुआ ये मोह उसको खत्म करने के लिए एक क्षण। ये महावीर का साइंस, ये महावीर का विज्ञान कैसा है, कैसी चीज है कि एक क्षण में एक पॉइंट से व्यक्ति वो खत्म कर सकता है। ऐसा साक्षी भाव आ गया तो कब आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं, जागरण होगा तो आएगा। जिसको जागरण होगा उसको आ जाएगा, सभी को नहीं आता और सभी को नहीं आएगा। जिसके पास जागरण, सतत जागरण जो जीता है, जागरण से होश से जो जीता है, उसको वो घटना सहज घट जाती है, लाना नहीं होता, हो जाता है। ऐसी अवस्था है अपनी वर्तमान। ये वर्तमान क्षण कितनी कीमती और कितनी ताकतवर है कि ऐसा दुखों का कारण जालिम कारणों भी क्षणों में दूर हो जाता है। और आत्मा की जो स्वयं अवस्था है, जो अपनी निजी अवस्था है, अवस्था का व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। एक काम करने के लिए बहुत बहुत अपने साथ अनुष्ठान है, साधनों है, लेकिन वो साधनों हम स्वीकारते हैं, लेकिन जागरण, इस साधनों के माध्यम से हमको जागना है, जागरण प्रकट करना है, देखने का अभ्यास करना है। तो मोह संसार का कारण, ये जन्म मरण का हेतु, ये अपने को मिटाना है। और वो जो मिट गया तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी होगी, कैसी हो जाएगी। ऐसी ऐसी बहुत बहुत व्यक्ति को भूतकाल में हो गई, वर्तमान में भी ऐसी व्यक्ति, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी रुचि हो तो हो सकती है, व्यक्ति ऐसी हो सकती है। जब स्वयं की कीमत समझ में आई, जब स्वयं का मूल्य समझ में आया, सही अर्थ में समझ में आया, तब वो व्यक्ति जागने का शुरू कर देता है कि ये चीज मेरी है और मेरी भीतर है और वहाँ पर पहुँचना है। जहाँ पर वो चीज़ है वहाँ पर पहुँचना है, तो वहाँ पर होना चाहिए काम, पुरुषार्थ, जागरण। और जागरण जो सतत अपना बनेगा तो साक्षी भाव सहजता से आ जाएगा। तो कोई भी साधक हो, श्रावक हो, श्राविका हो, साध्वी हो, साधु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उसी से दूसरी भी व्यक्ति कोई हो और लगन और रुचि भीतर में लग गई, तो उसका माध्यम ध्यान। तो ध्यान की बहुत बहुत प्रकार की पद्धति है, एक नहीं है। अभी हिंदुस्तान में 112 प्रकार की पद्धति प्रचलित है। ऐसी एक एक पद्धति से ध्यान हो रहा है, और ध्यान में जो कोई व्यक्ति सही अर्थ में रुचि लगन लग गई और डूब गया, तो निर्विकल्प, निर्विकल्प जब हुआ उसके पहले की क्षण कैसी है, शुभ है कि अशुभ, वो सब कट, वो साथ में नहीं चलता, एक क्षण में कट। इसको बहुत हाईएस्ट डायबिटीज होता तो गैंग्रीन हो जाता है कि डॉक्टर को दिखाता था, डॉक्टर बोलता कि ये अंगुली के, और गैंग्रीन ज्यादा से ज्यादा प्राय पैर में और हाथ में होता। तो डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर बोला कि यहाँ से काटना पड़ेगा। वो बोले कि वो कैसे होता है, थोड़ा समय और थोड़ी ट्रीटमेंट किया और वो दर्द तो क्यों बढ़ता है, भीतर में डायबिटीज और बढ़ रहा है, कारण है वो। उस सड़ने का कारण क्या है, गैंग्रीन होने का कारण क्या है, हमको उसको ठीक बनाना है, लेकिन कारण है तो वो कारण हम नहीं मिटाएंगे तहाँ तक उसका क्या होगा। तो वो बोला कि नहीं नहीं ये नहीं काटना है, थोड़ा समय दो एक आध महीना चलाया, फिर गया दिखाने, डॉक्टर बोला कि यहाँ से काटना पड़ेगा। क्या करेगा, वो बोला कि जो यहाँ से नहीं काटेगा और एक महीना आगे चलाया तो यहाँ से काटना पड़ेगा।
कारण है, एक कारण नहीं मिटेगा तां तक, तो जहां सड़ गया हो वहां से काटना। जहां सड़ गया हो, सब्जी लाते ना, सब्जी खाते ना, लेकिन कभी उसको समारा, उसमें सब्जी सड़ी हुई होती है, सड़ी हुई सब्जी देखते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, वहां से काट देता है, काट दिया, अलग हो गया, दूसरा अच्छा है। तो जो अच्छा है थोड़ा, उसको ठीक रखने के लिए व्यक्ति काट देता है। ऐसे अपने जीवन में जो व्यक्ति सड़ा हुआ, ये जो नेगेटिव सब जो है वो सड़ा हुआ है, सड़ गया। सड़ी हुई चीज में क्या होता है, जीवांत होती है। शरीर में जब ऐसा ऐसा होता है, जब सड़ जाता है शरीर, तब उसमें कीड़ा होता है, बगसरा, गुजरात में बगसरा है, वहां पर गरबा वो बहुत लोग है, वासुर वाला राजकोट स्टेट का वो दीवान, एक सभा सेक्रेटरी भी था, और गांधी और उसका कस्तूरबा को नजर के त्रंबा गांव है बाजू में राजकोट के, वहां पर उसका स्टेट का बंगला था, उसमें उसको नजर के रखा था वो वासुर वाला ने। शरीर हरदम ईवान रहता नहीं, शरीर बुढ़ापा जाता है, दर्द आता है, किस प्रकार का दर्द कब आता है कोई मालूम नहीं होता। फिर वो रिटायर हुआ, वो घर पर गया, वहाँ दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, सारा शरीर सड़ गया, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा अंदर में। जब उसको उठाए ना दो चार व्यक्ति, तो इतना कीड़ा नीचे निकले बिस्तर से, कैसे सहन होता। तो उसका शरीर इतना हड्डी हड्डी हो गया था, तो कीड़ा को तो खाना चाहिए ना खुराक, तो फिर दूसरा जीवों का मटन लेकर चीपिया से, उसका जो होल था ना बड़ा बड़ा होल शरीर में, इसमें वो चीपिया से अंदर में मटन डालते, किसके लिए, वो कीड़ा को लिए। कीड़ा तो इतना था सारा शरीर में, और ऐसी दुर्गंध आती थी वो कमरा में, लेकिन इतना सेंट, इतना सेंट का उपयोग होता कि आने वाला व्यक्ति को दुर्गंध नहीं आए। देखो दुर्गंध को दबाने के लिए सेंट का उपयोग, लेकिन दुर्गंध तो यहाँ से प्रकट हो रही है, हर शरीर में दुर्गंध है, अपने को ये शरीर की दुर्गंध आती है, बाहर की दुर्गंध आती है, गटर लीकेज हो गई, कुछ दूसरा हो गया, तो अपने को ऐसी दुर्गंध आती है। तो सुगंध और दुर्गंध पुद्गल का गुण है, उसका गुण है। अपने को दुर्गंध सहन नहीं होती, इसलिए हम नाक दबा कर चले जाते हैं, फिर नाक खोल देते। तो इतना कीड़ा उसके शरीर में रह नहीं जाता था, इतनी बीमारी, इतनी बीमारी, इतना तकलीफ, इतनी तकलीफ, ऐसा सारा शरीर नकसिक, शरीर सड़ गया, कैसा बीमार। बहुत बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट नया, उसमें कीड़ा होता ही रहता था, और उसको खाना चाहिए, खुराक तो चाहिए, तो खुराक के लिए दूसरों का मांस उसमें डालते थे, तो भी वो जीव को कोई शांति कैसे होती। एक थोड़ा सा अपने फोड़ा हुआ, फूट गया, उसमें से रस्सी निकलने लगा, तो अपने को कैसा दुख होता है, कितनी तकलीफ देखने में आती, तो होता सारा शरीर सड़ गया, उसमें ऐसा कीड़ा पड़ गया। तो ऐसी व्यक्ति को भीतर में कैसा भाव रहता होगा। गुरु महाराज का चतुर्मास था वहां पर, बहुत समय की, समय ने 125 साल प्राय होगा, 100 के 125 साल इतना होगा। देखो जब ऐसा होता है तो संतों की दुआ, दवा और दुआ, दवा तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी दुआ भी मांगना पड़ता है। तो मांगने से कोई दुआ नहीं मिलती है, दुआ तो सहज बनती, सहज मिल जाती,
लेकिन लोगों को ऐसा होता ना कि संत आए और उसे आशीर्वाद दे तो उसको ठीक हो जाए। कोई बीमार होता तो बोलता है मंगलिक सुनाओ। अपना शरीर की जितनी हमको इंतजारी है और हमको शरीर का जितना सार संभाल रखने का भाव रखते हैं, इतना जो हमारे पास जागरण आ गया तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा और भीतर आत्मा भी इतनी स्वस्थ रहेगी। लेकिन अपनी दृष्टि सिर्फ बाह्य की है, भीतर की दृष्टि तब खुलेगी जब जागरण आएगा। तब ले गया, गए गुरुदेव, उसकी हालत देखी, किसी हालत सारा शरीर सड़ गया। दुख विपाक सूत्र में एक घटना है ऐसी, दुख विपाक का 10 अध्ययन में दुख ही दुख है और सुख विपाक का 10 अध्ययन में सुख ही सुख की घटना है। तो भगवान महावीर के अंतिम उपदेश में दुख विपाक सुख विपाक पहला उसने परूपणा किया है और फिर उत्तराध्ययन सूत्र लास्ट पर 36 प्रहर तक देश ना चली कंटिन्यूस। तो सुख दुख विपाक किस लिए कि ये परिधि है, ये संसार है, हर जीव को सुख दुख आता है। वो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता साता साता जब आती है तो उसी से बाहर कैसे निकलना वो उपाय दिखाया है। तो उसमें इकाई राठौड़ है, इकाई राठौड़ उसकी घटना है। लेकिन अपना समय पूरा हो रहा है, कैसे कैसे व्यक्ति कैसे कैसे अवस्था में कहाँ से कहाँ भटकता है, कैसे उसकी शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है। गुरुदेव गए, सब दरबार का घर बाहर के तो बहुत बड़ा ठाठ माठ सब कुछ, लेकिन व्यक्ति जो मेन व्यक्ति घर का मालिक जो बोलता है वो मालिक सब अस्वस्थ बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक। इतना शरीर में दर्द तो मानसिक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? हाँ साधक हो तो होता है, लेकिन वो साधना तो जागरण साक्षी भाव मांगता है। वो नहीं हो तो छोटी बीमारी भी अपने को विवल बना देती है, अपने को तकलीफ कर देती है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी आती है, देखने का अभ्यास होता है तो सत्मुन व्यक्ति में थोड़ी क्षमता रहती है, देखता कि हाँ उदय है ना, देख उदय का स्वीकार कर। ऐसी अवस्था होगी लेकिन जहाँ वो बात सुनी भी नहीं है समझा भी नहीं है तो वो उनके जीवन में कैसे होता। 5-10 मिनट खड़ा रहा, उसकी शरीर की हालत देखा, चैन नहीं था एक क्षण का। सब लोग वहां 5-10 व्यक्ति साथ में जो आए थे, साथ में गए तो सभी को बाहर रखा। गुरु महाराज के साथ जो गए थे दूसरे श्रावक लोगों से भी को बाहर रखा, तो आपको नहीं, आप अकेला पधारे। उसके परिवार के दरबार के परिवार के 2-4 आदमी वहां खड़े थे। इसी उसकी शारीरिक अवस्था इतना कमजोर हो गया था, शरीर से मन से सभी से टूट गया था। संत का वो समय पर एक एक शब्द मलम पट्टे का काम करता। घाव तो बहुत लोग बांटते, शब्दों का घाव कितना है कैसा है। शब्द का घाव व्यक्ति को रुझता नहीं, लेकिन ऐसी व्यक्ति के पास जावे तो शब्द का घाव भी रुझ जाता है, वो उसी से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पास पहुंचना हो तो बहुत कठिन होता है, दुर्लभ होता है। ऐसी ऐसी घटना ऐसी बन जाती है तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत भीतर में रटता ही रहता है, बाहर निकलता ही नहीं। कैसा होता, घटना तो घट गई, कोई संयोग हुआ कोई वियोग हुआ कोई बीमारी हुई कोई इतने कुछ चलता था। सब 2-4 जो खड़े थे वहां बोला कि आप उसको आशीर्वाद दो, थोड़ा अच्छा हुए ठीक हो जावे। क्या बोले, अहिंसा कैसी है और भूतकाल में हिंसा किया है उसका वर्तमान उदय है और वो दर्द को मिटाने के लिए दूसरी हिंसा कैसे।
जो कारण से खड़ा हुआ वो कारण वो बढ़ा रहा है। कैसे बंद हो, कैसे काम हो? और वो लोग मानते थे को तो डालना पड़ेगा, वो जो नहीं डाले थे को तो खत्म हो जाएगा। गुरुदेव ने बोला कि उसको ठीक होना हो तो आप ये जो अंदर डालते हैं ना, लोगों से सुना था ना और उसके प्रत्यक्ष देखा हो कि शरीर की हालत, ये बंद कर दो। तुम रोज उसको अंदर में जो कुछ न कुछ मटन डालते हो वो बंद कर दो, उसको जो ठीक करना हो तो। आप सहमत सब हो जाओ और उसको ठीक करना हो, आपको जो ठीक करना हो, मुझके किस लिए बुलाया आपने? उसको ठीक हो, उसको अच्छा हो, इसलिए बुलाया है ना। तो जो मैं बात करता हूँ ये आप लोगों को जो सेट होती तो आप काम करें, उसको जो आप डालते हैं अंदर वो बंद कर दो। इसी अवस्था में व्यक्ति जब जो देखो करना होता है, करना नहीं है लेकिन करना पड़ता है मजबूरी से, अपनी बहुत ही आर्त रुद्र ध्यान तो व्यक्ति की बेहोशी से होता है, और जहाँ आर्त रुद्र ध्यान होता है यहाँ हिंसा ही होती है। द्रव्य और भाव दोनों हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा देखने में आती है, भाव हिंसा हमने कभी देखने में नहीं आई, क्यों? हम बेहोश है ना, इसलिए देखने में नहीं आती, इसलिए वो चलता है। जो देखेगा व्यक्ति खुद की भाव हिंसा, अपनी आत्मा की हमारी हिंसा हो रही है अपनी बेहोशी से, वो जो व्यक्ति को लेकिन देखे कब? जब होश होता तो देखता, होश तो है नहीं। होश होगा तो व्यक्ति देखेगा कि मेरा भाव प्राण को किसी किलाम ना हो रही है, मेरा भाव प्राण कैसा दुखी हो रहा है, मेरा भाव प्राण कैसा कांप रहा है। वो व्यक्ति को जो महसूस करना हो तो व्यक्ति को जागना पड़ेगा, जागेगा साक्षी भाव गया तो ये हिंसा भाव हिंसा बंद हो जाएगी। सब मंजूर हुआ, जो खड़ा था मेन व्यक्ति दो चार क्या हम नहीं डालेंगे, होने वाला तो होने वाला है, आप डालो तो भी होगा, आप नहीं जिला रहे उसका आयुष बल हो तो जिएगा, लेकिन ये हिंसा जो हो रही बंद कर दो। आप ऐसे मानते कि वो डालने से वो रहेगा लेकिन ये आपकी मान्यता बराबर नहीं है, आप बंद कर दो। बंद कर दिया, एक दिन दो दिन तीसरे दिन आया दो आदमी वहां से, देखो जब थोड़ा सा सुधारा, थोड़ा सा सुधारा शारीरिक अवस्था का, वो पेशेंट को भी महसूस होने लगा और दूसरा साथ में जो रहता था सेवा में उसको भी महसूस होने लगा कि कुछ है उसमें, कुछ है। बंद कर दिया तो अच्छा होने लगा, उसको भी ठीक लगने लगा और थोड़ा थोड़ा खाने लगा, खाना बंद हो गया था लिक्विड, फिर धीरे 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 धीरे। जो आया दो आदमी उसको बोला कि उसका आयु होगा तहाँ तक उसको जैसे साता रहे ऐसा तुम करो, लेकिन वो काम आप करना बंद कर दो, उसको जो रुचि हो खाने का दो, लेकिन कोई भी चीज नॉन वेज नहीं होना। समथ्या दो तीन दिन देखा ना, लाभ देखा ना, लाभ देखता है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में व्यक्ति लाभ देखता है तो चलता है ना। लाभ नहीं देखा तो देखो ये द्रव्य जीवन, इस शरीर को बचाने के लिए व्यक्ति की कितनी इंतजारी है और कितना व्यक्ति सजाग है शरीर के लिए, इतना हम हमारे भाव प्राण के लिए जो जागृत हो गया तो अपना भाव प्राण की हिंसा क्या है मालूम है? आपको शब्द कठिन लगेगा लेकिन बोलना बोलू, कैसा है बेवसिन, कैसा होता है, कैसी अपनी अवस्था होती है। जैसे नॉन वेज लोग खाते हैं उसको जीवों को जब काटते हैं तो उसकी हालत कैसी होती है वो तो देखता नहीं खाने वाला,
वो तो जो बनाता है उसको मालूम होता है, लेकिन वो तो रूढ़ हो गया है, उसको कुछ संवेदना सब कुंठित हो गई है। रौद्र ध्यान में, आर्त रौद्र ध्यान में अपनी सारी संवेदना वो कुंठित हो जाती है, और रोज का काम है। लेकिन उसको भी, वो भी देखा है हमने, हम द्रोड़ में थे, द्रोड़ जामनगर के पास द्रोड़ गांव है। सुबह में वो गांव का नाम कोई नहीं लेता है, तो गांव का नाम ले तो लोग बोलते कि नाश्ता नहीं मिलता है, क्या है लोगों, तो वो गांव में जो लोग रहता है उसका क्या हाल जताला जी, कोई नाम ले तो उसको खाना नहीं मिलता, तो गांव में रहे उसको क्या होता, कैसा है, लोगों की कैसी कैसी मान्यता से लोग जीता है। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी, तो मैं शाम सुबह नदी में चला जाता, रेत में जाकर बैठता, बहुत बड़ी नदी, पानी तो एक साइड में थोड़ा सा, सामने पार कसाई लोग रहते थे, बुचड़ खाना, तो मैं बैठा था, उसकी मुर्गी किसकी, वो कसाई की, दो चार पान इधर उधर घूमती थी, उसमें कुत्ता आया, तो कुत्ता ने झपट किया और एक मुर्गी को पकड़ लिया, वो जहाँ था ना उसका झोपड़ा में वहां से भागा आया, वो कुत्ता के मुंह से छुड़ाने के लिए कुत्ता के पीछे भागा, क्यों, ये मेरा है। और दूसरा दो चार व्यक्ति आ गया, कुत्ता को रोक दिया, लट्ठ लेकर आया, कुत्ता भी भयभीत हो गया, मुंह में पकड़ा था, छोड़ देखो, छोड़ देता तो सब छोड़ देता है। उसने पकड़ा था कुत्ता ने, तो सब उसके पीछे लट ले चला, और जब उसको भय लगा, चारे ओर उसको घेर लिया कि अभी कोई रास्ता निकलने का नहीं है, तो मुंह में जो पकड़ा था उसको भी देखो मालूम हो गया कि पकड़ा है ने, इसलिए आपको मालूम है, आपको मालूम है, पकड़ा वहां पर दुख होता है। कुत्ता ने छोड़ दिया, वो कुत्ता ने पकड़ा तो मर गई थी, मरी हुई मुर्गी को उठाया उसने, मैं देखता था बराबर, हे अल्लाह हे खुदा ऐसे बोलने लगा, तुमने क्या कर दिया, खुदा ने क्या कर दिया, खुदा करता है, खुदा खुदा कुत्ता के रूप में आया, तो खुद की चीज थी वो, कुत्ता ने पकड़ लिया तो उसके भीतर में कैसा भाव हुआ, और दूसरा जीवों को रोज वो काटता, उसके लिए कुछ नहीं, देखो कितनी संवेदनशीलता जीवों की कुंठित हो जाती है, कैसा भाव रहता है, कैसी हिंसा की अवस्था भीतर में चलती है। वो दरबार को ठीक होने लगा, और 3 दिन गया और आया कि बहुत ठीक है, तो बस वो काम चालू रखो, उसको सातारे फिर बोल दिया कि बचना कठिन है, बचना कठिन है, लेकिन उसका साता रहेगी, उस सुख शांति से जितना जीवन है वो ठीक से चलेगा, लेकिन कीड़ा को नहीं मारना, जब कीड़ा निकले तो कीड़ा तो निकलता था, रोज निकलता था इतना इतना, लेकिन उसको जो भोजन मिलना बंद हो गया, उसने खाना शुरू किया दरबार, तो ज़्यादा कीड़ा निकलने का, जल्दी निकल गया, दवा भी ट्रीटमेंट भी चलती थी, थोड़ा और अच्छा हो गया, बिस्तर में बैठ भी नहीं सकता था, तो दो आदमी हाथ दे तो बैठने लगा, फिर एक हफ्ता में बाद खड़ा होने लगा, खड़ा होना तो उसके लिए देखो, वो व्यक्ति जब राजकोट में जब काम करती थी, तब तो उसका रौप, उसकी ताकत देखने जैसी, सर को मानता है सब इर्वे गिरवे, मैं ही आई एम समथिंग, इतनी ताकत, इतनी सत्ता, और सत्ता और शक्ति से क्या काम किया, वो काम वर्तमान में उसको सामने आया, तब वो व्यक्ति को हाल क्या हो गया, अभी मैं क्या करूं। वो व्यक्ति जिसको बोले तो हजारों आदमी खड़ा रह जाता था, उसके सामने कोई व्यक्ति उसको
क्या बोलना, कैसी कैसी अवस्था होती है, ऐसी जीवन में अवस्थाओं जब आती है तो व्यक्ति को कैसा होता है। तो उसका थोड़ा शारीरिक स्वस्थता हुई और थोड़ा समय वो जिया, लेकिन शांतिपूर्वक वो जिया। तो अपना काम करना है, अपना अपने से काम करना है। तो एक कीड़ा जैसे अपना मांस खा जाता है तो सड़ा वहाँ से काट दो। अपने भीतर में जब नेगेटिव भाव उठता है उसको काट दो। कैसे काटें, छुरी है, तलवार, तीक्ष्ण धार है, कैसी बार में सब शस्त्र अस्त्र बुट्ठा है उसके पास, ऐसी तीक्ष्ण शक्ति अपनी पास है। जागरण साक्षी बा, साक्षी बाबा है, सब कट जाता। एक दो नहीं, जितना कारण है वो सब सब रिलेशन, अनंत काल का रिलेशन कट हो जाता और व्यक्ति कैसा हो जाता है। वो काम करना है और काम करने के लिए सब लोगों भीतर में जागरण साक्षी भाव की साधना में आगे बढ़े। इसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसरे चलारे मंगलंग रिंदा मंगलंगा मंगलंग मंगलंग केवली बनंदो धूमंगलंग दारी लुगदमा रिंदा लुगदमा दा लुगदमा सा लुगदमा केवली बनंदो धूम लुगदमा जदारी शरण मऊजामी अरिंदा शरण मऊजामी सदा शरण मऊजामी सौ शरण मऊजामी केवली बनंदंग धमंग शरण मऊजामी चार मंगलिंगारुतम चार सृंगर रे महुसागर मान रे सकल खर मनोमणियंद मोक्षतना सुखलियन भावधरी जे गुणगाय जीवधरी मृदाय संसार माय शरणागार अवर शरण को जय नर नारी आन अक्षय अविचल पद हो स्वामी सब।